जय हिंद व्यूअर्स, मैं सबसे पहले तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने जब MNS की वीडियोस डाली थी, जब MNS का डिस्कशंस किया था, तो बहुत सारी क्वेरीज आई थी जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को ये जानना था कि भाई कैसे डॉक्टर बना जा सकता है, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अलग चीज़ है, डॉक्टर अलग चीज़ है। तो हाउ कैन यू बिकम अ डॉक्टर इन ट्राई सर्विसेज? ट्राई सर्विसेज मतलब थल सेना, वायुसेना एंड नौसेना में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। आज इस वीडियो पे मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक संस्था का नाम सुना है, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, AFMC। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एक कॉलेज है फौज का जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। AFMC आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में है। पुणे वहीं पे नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है, बट NDA अलग कैंपस है, AFMC का कैंपस अलग है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज बेसिकली एक फौज का MBBS कॉलेज है जो आपको MBBS की डिग्री दे रहा है, जो आपको एक डॉक्टर बना रहा है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के लिए पहले क्या होता था कि पहले AFMC का पेपर अलग होता था, आज से 5 साल पहले तक, पर अब NEET का स्कोर लेते हैं। तो अगर आपको AFMC में जाना है, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में, तो आपको NEET का एग्ज़ाम देना होगा। NEET का एग्ज़ाम देने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, और आपको सीधे आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज बुला लेता है जहाँ पर आप फौज के खर्चे पर MBBS करते हैं। अब जब आप AFMC से निकलते हैं, जब आप आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं, तो दो तरीके की कमीशन्स मिलते हैं आपको, एक परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? परमानेंट कमीशन इज जब आप टिल द एज ऑफ 60 सर्व कर सकते हैं फौज में एज अ डॉक्टर, आपको अलग अलग जगह पे पोस्टिंग मिलेगी और टिल एज ऑफ 60 आप सर्व कर सकते हैं। AFMC के जो डॉक्टर्स होते हैं जनरली वो कमांड हॉस्पिटल्स में होते हैं, इफ रिक्वायर्ड वो वॉर जोन्स में भी जाते हैं। ठीक, AFMC के थ्रू जब परमानेंट कमीशन है तब तो टिल द एज ऑफ 60 आप सर्व कर रहे हो, पर जब शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो 7 साल की नौकरी है एंड इट इज़ एक्सटेंडेबल टू 7 more years, यानी कि 14 साल तक आप AFMC के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन भी सर्व कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन मिलेगी या शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये AFMC डिसाइड करेगा, ये मैं या आप या कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन किया जा सकता है, बहुत इजीली हो सकता है थ्रू इंटरव्यू। उसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, एक इंटरव्यू देना है जहाँ पे मिनिमम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, मैक्सिमम 9 साल की सर्विस, मतलब 2 से लेकर 9 साल की सर्विस के बीच में आप कभी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन हो सकते हैं थ्रू AFMC। तो पहली तो ये संस्था थी AFMC जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज। दूसरी जो संस्था है जो 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 आपको परमानेंट कमीशन देती है वो है ADC, आर्मी डेंटल कॉर्प्स, आर्मी आर्म्ड डेंटल कॉर्प्स कह लें या आर्मी डेंटल कॉर्प्स। आर्मी नाम जरूर आर्मी डेंटल कॉर्प्स है, लेकिन तीनों सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में आप सर्व करते हैं। आर्म्ड आर्मी डेंटल कॉर्प्स में अगर आपको जाना है तो आपके पास BDS जिसे कहते हैं बैचलर इन डेंटल साइंस या MDS मास्टर्स इन डेंटल साइंसेज आपके पास होना चाहिए। एज BDS के केस में मिनिमम 28, मैक्सिमम 28, और MD जैसे कहते हैं मास्टर्स इन डेंटल साइंसेज में मैक्सिमम एज 30 years होनी चाहिए। साथ में डेंटल काउंसिल का आपके पास 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, 1 साल का प्रॉपर इंटर्नशिप, और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं। अगर आप हैं तो आप आर्मी डेंटल कॉर्प्स में अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी डेंटल कॉर्प्स या आर्मी डेंटल कॉलेज आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद कहीं पे भी आपको वो सर्व करने के लिए भेज सकते हैं पैन इंडिया। आर्मी डेंटल कॉलेज या आर्मी डेंटल कॉर्प्स जो विंग है उसमें आपको किसी प्रकार का कोई SSB इंटरव्यू नहीं देना। आप एक चीज़ समझें, आप AFMC में के थ्रू डॉक्टर बन रहे हैं या ADC के थ्रू डॉक्टर बन रहे हैं, तो किसी भी हालत में आपको SSB इंटरव्यू नहीं देना। एक नॉर्मल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जनरली
RNR रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल आर्मी का है, RNR हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे ये राउंड ऑफ इंटरव्यू चलते हैं और फिर मेडिकल होता है। चलें अब तीसरी एंट्री के बारे में बात करूँगा। मैंने FMC के बारे में बात की, मैंने ADC आर्मी डेंटल कॉलेज के बारे में बात की, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ SSC एंट्री की। शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री ये आर्मी साल में दो बार निकालता है टिल द एज ऑफ 45, जब तक आप 45 के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इस एंट्री की खूबी ये है कि आपने कहीं से भी MBBS किया हो, कहीं से भी MS किया हो, या MBBS या MS, और अगर वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, अगर वो MCI से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इस एंट्री का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 5 साल की जॉब है, एक्सटेंडेबल टू 9 more years, मतलब 14 साल के अंतर्गत आपको ये 14 साल की नौकरी है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, ये परमानेंट कमीशन एंट्री नहीं है। इसका भी प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, आपको पहले इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपको फाइनल किसी भी कमांड हॉस्पिटल में वो लोग बुला लेंगे, 6 कमांड हॉस्पिटल्स में से किसी भी कमांड हॉस्पिटल में बुला लेंगे और आपको वहाँ पर सर्व करना होगा। ट्रांसफ़र और नो ट्रांसफ़र ये डिपेंड करता है फ़ौज की रिक्वायरमेंट पे। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बिल्कुल आपका ट्रांसफ़र होगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपका ये नॉन ट्रांसफरेबल रहेगा। तो ये थी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री, डायरेक्ट एंट्री है। डजंट मैटर कि आपने फौजी संस्था से डॉक्टरी की हो या नहीं की हो, आपने प्राइवेट से की हो, तब भी आप SSC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि एज इसमें लगभग 45 तक लेते हैं, टिल द एज ऑफ 45 आपको लेते हैं। ये थी तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री है वेट्स के लिए, जिसे वेटरनरी डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मतलब जानवर के डॉक्टर। आर्म्ड फोर्सेस में एक 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 बटालियन है जिसका नाम मैंने कुछ दिन पहले YouTube चैनल पे, जब मैंने इंडियन डॉग स्क्वाड के बारे में बात की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा YouTube पे, इंडियन डॉग स्क्वाड। आर्मी के पास अपना एक डॉग स्क्वाड है, एक बटालियन है, जिसको बोलते हैं रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स, RVC, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स। सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होता है, सिर्फ इट इज़ नॉट फॉर फीमेल्स, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स के तहत जो भी बंदे ने वेटरनरी, जिसे कहते हैं बैचलर इन वेटरनरी साइंसेस से डॉक्टरी की है, वो इस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकता है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री है, और RVC का कैंपस या तो मेरठ में मिलता है, मेरठ जो है वो कैंट है, या अंबाला में मिलता है, तो इन दोनों में से कहीं पे आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा और आप इंडियन डॉग स्क्वाड या इंडियन हॉर्सेज, आर्मी के हॉर्सेज हैं, इनका ट्रीटमेंट करेंगे। बेसिकली आप याद रखें कि अगर आप वेटरनरी डॉक्टर नहीं हैं तो आपके पास AFMC एक एंट्री है, तो आपके पास ADC आर्मी डेंटल कॉलेज एक एंट्री है, तो आपके पास SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन एक एंट्री है। ये तीन एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आप फौज ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी भी वजह से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिली है तो देर आर फेयर चांसेस कि आपको वो परमानेंट कमीशन कर देंगे, पर शर्ती है एक राउंड ऑफ इंटरव्यू होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का सर्विस होना चाहिए और मैक्सिमम 9.5 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो ये था बेसिकली तीन तरीके कैसे आप आर्म्ड फोर्सेस में डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को गौर किया हो, अगर आप इस वीडियो को सही से सुन रहे हैं, तो आपने सुना होगा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, आर्मी डेंटल कॉलेज। एक चीज़ समझें, आर्मी डेंटल कॉलेज हो या आर्मी कॉलेज ऑफ डॉक्टर्स हो या आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज हो, ये तीनों सर्विसेज को कवर कर रहा है। वर्ड ज़रूर आर्मी आ रहा है, पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों की तीनों सर्विसेज इसमें कवर हो रही हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज जिसके थ्रू आप देश की सेवा भी करते हैं, आप यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, और आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो भी सपना पूरा कर सकते हैं। NEET के थ्रू है AFMC, SSC जो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, जो सेकेंड एंट्री है वो डायरेक्ट एंट्री है, फॉर्म्स आएंगे टिल एज ऑफ 45। अगर आपने कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से MBBS या MS किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है उन लोगों के लिए जो डेंटिस्ट हैं,
डेंटिस्ट के लिए परमानेंट कमीशन है जो कि आर्मी कॉलेज या एडीसी आर्मी डेंटल कॉलेज या आर्मी डेंटल कॉर्प्स से के थ्रू किया जा सकता है। एडीसी की जो वैकेंसी है वो साल में एक बार आती है, एएफएमसी एक बार है और एसएससी साल में दो बार है। व्यूअर्स इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, इसके रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। मैं फिर से लाइव एमएनएस के बैच में आऊँगा, साथ ही यूट्यूब चैनल पे लाइव आता रहूँगा और साथ में आप लोगों को दोनों बैचेस को एमएनएस को भी और यूट्यूब में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करता चलूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाइएगा और हमारे ऐप में ये वीडियो स्टोर्ड होगी, उस ऐप में आप जाके एमएनएस कोर्स में जाके इस पूरी वीडियो को एक बार दो बार तीन बार जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।